हरा पट्ठा जिदे से असी जवार लै लिए चरी लै लिए जां फिर बरसीम लै लिए। जे असी हरा चारा अपनी ट्रांजिशन दे विच गावां नूं पाउने आ ना ते इहदे इन्ने नुकसान ने कि तुसी सुन के हैरान हो जाओगे। आम असी पिंडां दे विच ना ये चीज़ां सोचते नहीं हैगे। अजकल थोड़ी ना जागरूकता आ रही है ते जेड़े एम आर वगैरह जां कंपनियां दे बंदे जेड़े तुहाडे कोल आउंदे ने फीडा वाले वो एक वर्ड बड़ा इस्तेमाल करते हैं अजकल डीकैड। डीकैड ट्रांजिशन वाली गां नूं बड़े सौखे शब्दों के मैं पहला भी वीडियोस मेरे चैनल के उत्ते हैगियां ने, जिन्होंने नहीं देखिया तो एक बार जाके प्लीज़ वो देख लियो। तो अज मैं डीकैड के उत्ते नहीं गल करांगी, मैं गल कर रही हाँ कि जेड़े ट्रांजिशन पीरियड के सून तो 20 दिन पहला जेड़े अपनी गावां नूं हरा पट्ठे के उत्ते रखते उन्होंने की समस्या आ सकती ने। तो हरे पट्ठे दे जिन्हों असी इन्ना वधिया मान के चलते हाँ अपनी मिल्किंग वाली गावां वास्ते वैसे इन्ना वधिया मान के चलते हैं, तो आम तौर पर जेड़े 70-80% फार्मर्स है ना पंजाब दे उन्हां को हरा चारा ही अवेलेबल हुंदा। तो फिर इहदा एड्डा वड्डा की नुकसान है कि सानू जानना जरूरी है। जेड़ा हरा चारा हुंदा जी उहदे विच जेड़ा ड्राई मैटर है ना साड़ी सून वाली गां दा जिहड़ी ट्रांजिशन दे विच चलदी पई है 20 दिन सून तो पहला उहदे अंदर जिहड़ा बच्चा हुंदा ना उहदी ग्रोथ हो रही हुंदी है जिहदे करके उहदा र्यूमन दा साइज़ बड़ा छोटा हो जांदा। र्यूमन दा साइज़ छोटा हो जाएगा तो उहदी भुख दी दा जिहड़ी हुंदी ना बहुत तेजी दे नाल घटना शुरू हो जाती है। उहदा इनटेक बड़ा घट जाएगा, जिहड़ा जानवर है उहदी भुख बड़ी छेती थले डिगदी है। हुण उहदी खाण दी कपैसिटी घट गई है ते जिहड़ा हरा चारा हुंदा ना हरा चारा साढ़े जानवर दी ड्राई मैटर दीआं लोड़ां नूं पूरा नहीं करता, सुके मादे दीआं लोड़ां नूं पूरा नहीं करता। 500 तो आपां 600 किलो दी गां लै के चलीए ना ते 10 तो 12 किलो उहदा ड्राई मैटर दी जरूरत हुंदी है ट्रांजिशन दे विच। सब तो जरूरी गल मक्की दा जिहड़ा साइलेज हुंदा ना एक वधिया क्वालिटी दा मक्की दा साइलेज साडी गां नूं उहदा ड्राई मैटर पूरा करके दिंदा है 5-6%। ते जिहड़ा बाकी 5-6% उहदा ड्राई मैटर है ना उह असीं अपनी एक वधिया ट्रांजिशन क्लोज अप फीड तो पूरा करते हां जी। 4-5 किलो फीड आपां अपने ट्रांजिशन वाली गां नूं खवाउणी है तां कि उहदी शरीर दीआं जरूरतां नूं असीं पूरा कर सकीए। जिहड़ा हरा चारा हुंदा ना हरे चारे दे विच पोटैशियम दा लैवल बहुत ज़्यादा है। जिहड़ी सून तो बाद जां सून तो कुछ दिन पहला तुसीं गावां दे विच भल देखण नूं मिलदी है, हीफरां दे विच इन्नी ज़्यादा भल पै जांदी है कि तुहानूं उहदी ट्रीटमेंट करनी औखी हो जांदी है। ये सारी प्रॉब्लम तुहाडे हरे चारे दी ते तुहाडे पोटैशियम लैवल दी हैगी है। डी कैट दे विच आपां मेनली सोडियम ते पोटैशियम बंद करने हुंदे आ क्योंकि ये जिहड़े हैगे आयंस जिहड़े हैगे ये साडे जानवर नूं पॉजिटिव डी कैट दे विच प्लस डी कैट दे विच लैके जांदे ने। तुसीं मिठा सोडा नहीं देना क्योंकि वह सोडियम बायकार्बोनेट हुंदा। तुसीं नमक नहीं देना क्योंकि वह सोडियम क्लोराइड हुंदा। तुसी कोई भी किसी भी तरह का पोटैशियम अपने जानवर नूं नहीं देना क्योंकि ये पल का सब तो वड्डा कारण हुंदा, ठीक है जी। ते हरे चारे दे विच इन्ना ज़्यादा पोटैशियम हुंदा है कि ये पल पैना ते बिल्कुल पूरा 100% पल पवेगी। उस तो बाद की है कि जे तुसी डी कैड प्रॉपर नहीं दित्ती ते 100% तुहाडी गां नूं सून तो बाद प्रॉब्लम्स आउण वालियां ने। एक चीज़ आती है डोमिनो इफेक्ट, जे सून तो पहला तुहाडी गां नूं एक भी प्रॉब्लम आ गई ना 20 दिन ट्रांजिशन पीरियड दे विच तुहाडी गां नूं एक भी प्रॉब्लम आ गई ना ते उह अपने नाल 10 होर बीमारियां नूं सद्दा दे के पक्का लेके आएगी। ते तुसी जे अपने वास्ते अपना फायदा चाहुंदे हो ते गां दा अगला सूआ बहुत चंगा चाहुंदे हो ते फिर तुसी गां दी ट्रांजिशन 20 दिन बहुत वधिया सांभ संभाल करनी है। एक असी आम पिंडा दे विच मिथ है, एक गलत धारणा है कि जेड़ा जे असी गां नूं ज़्यादा खवाउने आ सून तो पहला तो सारी खुराक उहदे बच्चे नूं लग जाती है
तो बच्चा बहुत मोटा तगड़ा हो जाएगा तो फिर गाने सुन दे विच प्रॉब्लम आती है। ये बिल्कुल गलत धारणा है जी, ये बिल्कुल भी इस गल च सच्चाई नहीं है। जे तुसी ना भी खवाओगे ना तो बच्चे ने अपनी उन्नी ग्रोथ लैनी ही लैनी है, तो तुहाडी गां कमज़ोर होंगी जाएगी, तुहाडी गां दी शरीर दी जरूरतां पूरियां नहीं करेगी, तो फिर गां तुहाडी सून तो बाद तुहानू 100% प्रॉब्लम देवेगी देवेगी। बच्चे ने अपनी ग्रोथ लैनी ही लैनी है, तुसी गां नू खवाओ भावें ना खवाओ, क्योंकि उहदा कुदरती तौर पर ग्रोथ पीरियड है, तुसी इहदे च कुछ नहीं कर सकते। अपनी गां नू सही सांभ संभाल करो ट्रांजिशन दे विच, तां कि तुसी मुनाफे दे विच रहो। गां नू एक भी प्रॉब्लम आ गई ना तो तुसी मान के चलो बहुता नहीं ना, तो पूरे सूए का 20% दुध तुहाडा उड जाना जे गां तुहाडी सून तो बाद तुहानू प्रॉब्लम्स देनियां शुरू कर गई। तो इन्हां चीज़ां दे उत्ते काम करना जरूरी है तुहाडे वास्ते, जे तुसी एक सक्सैसफुल डेयरी फार्म बनना चाहुंदे हो, तो प्लीज़ इन्हां चीज़ां का जरूर ख्याल रखियो। आपां कल नूं मिलांगे कि नवी जानकारी दे नाल, तद तक तुसी इस वीडियो नूं शेयर जरूर कर दिओ ताकि बाकियां नूं इन्हां चीज़ां दी जानकारी हो सके। बाय बाय।